ये मेरा मकान गिर गया जी, हम बेघर हो गए हैं, रात को बाहर सोते हैं और 3-4 दिन हो गए। उपमंडल की सदर विधानसभा क्षेत्र में स्थित गांव पंचायत रोहिण में एक 3 मंजिला मकान का जमींदोज हो जाने से उसमें रखी लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई त्वरित राहत प्रदान नहीं की गई है। हालांकि हाल के दिनों में हो रही भारी बरसात के कारण रोहिण पंचायत क्षेत्र में एक और मकान जमींदोज हो गया है। पहले भी तेज बरसात से मकान में दरारें पैदा हो गई थी, लेकिन नंदलाल ने उसकी जानकारी पंचायत प्रधान और प्रशासन को दी थी। हालांकि कोई भी कदम नहीं उठाया गया और नतीजतन उसका मकान गिर गया। गांव पंचायत के प्रधान देवराज कौंडल ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और उचित सरकारी जमीन का नाम स्थानांतरित किया जाए ताकि उन्हें अतिशीघ्र मकान बनाने का अवसर मिल सके। वह इस दुर्दशा में अपने बुढ़ापे को गुजार सकें और अपनी दिव्यांग पत्नी का भी सामना कर सकें। डॉट ग्राम पंचायत के प्रधान ने यह भी कहा कि पहले ही उन्होंने पंचायत प्रधान और प्रशासन को तहरीक दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मेरा मकान गिर गया जी, हम बेघर हो गए हैं, रात को बाहर सोते हैं और 3-4 दिन हो गए, इसको खत्म हो गया सारा मकान। बड़ा लेंटर वाला भी एक इधर को छोटा था, थोड़ा 2-4 कमरे ये थे और 4-5 कमरे इधर को हो गए जी, आधे खत्म। हम बेघर हो गए जी, हमारा कोई नहीं, हमारा साथ दे दो, हमारे कुछ हेल्प कर दो। मैं देवराज कौंडल, ग्राम पंचायत रोहिण के प्रधान। आज भारी बरसात के कारण हमारे यहाँ गाँव तो रोहिण जरलू में श्री नंदलाल जी का मकान जो रिहायशी मकान गिर चुका है और जो भी कमरे हैं इनको सारे को खतरा पहुंच चुका है। गांव के लोग भी इकट्ठे हुए हैं और पिछली रात को भी हमने प्रशासन को अवगत कराया है। एप्लीकेशन के प्रार्थना पत्र के माध्यम से डीसी बिलासपुर को एक पत्र भेजा हुआ है, वो भी कल ही सबमिट करा दिया है। तो आज फिर सुबह नंदलाल जी का फ़ोन गया कि पूरा हाल है और दूसरे मकान भी जाने वाले हैं, तो तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे और अभी इसका मौका कर रहे हैं। पटवारी साहबान भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी प्रशासन और भी आ रहा है ऐसा पता लग रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा प्रशासन से और सरकार से कि नंदलाल जी का एक घरवाली भी हैंडीकैप्ट है, वो भी चलने में असमर्थ है और ये गरीब आदमी है, गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो निवेदन रहेगा प्रशासन और सारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द नंदलाल जी का राहत का इंतजाम किया जाए और फौरी राहत भी मिलनी चाहिए इसको और इसके मकान का इंतजाम भी किया है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद जय।